यूपी मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद मदरसा अजीजिया इज़ाज़ुतुल उलूम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अपनी याचिका में कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के चलते मदरसों में पढ़ रहे लाखों बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं, इसलिए फैसले पर रोक लगाई जाए। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने की और एक्ट को रद्द करने वाले फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए और छात्रों की संख्या बताते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर हैरानी व आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के आदेश पर विज्ञान, हिंदी और गणित समेत सभी विषय मदरसों में पढ़ाए जा रहे हैं, बावजूद इसके उनके खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। ये 120 साल पुरानी संहिता की स्थिति है, 1987 के नियम अभी भी लागू होते हैं। सिंघवी ने आगे कहा, हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर आप कोई धार्मिक विषय पढ़ाते हैं तो ये धार्मिक विश्वास प्रदान कर रहा है और धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है। अपने पिता का जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा, आज के दौर में गुरुकुल मशहूर है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे पिता के पास भी एक डिग्री है, क्या हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए और कहना चाहिए ये हिंदू धार्मिक शिक्षा है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सरकार से कहा, आपने पहले अपने हफलनामे में मदरसा एक्ट का समर्थन किया था। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब जबकि हाईकोर्ट एक्ट को असंवैधानिक करार दे चुकी है तो हम उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट संवैधानिक अदालत है, हम ये खर्च नहीं उठा सकते। किसी भी स्तर पर धर्म का उलझाव एक संदिग्ध मुद्दा है। हाई कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार कदम उठा रही है। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख बच्चों की शिक्षा के भविष्य पर असर पड़ेगा। हमारा विचार है कि ये निर्देश प्रथम दृष्टया उचित नहीं है। अदालत हाई कोर्ट को चुनौती देने की मांग वाली याचिकाओं पर यूपी सरकार समेत अन्य सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करती है। राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट में 30 जून 2024 को या उससे पहले जवाब दायर करना होगा। 22 मार्च को 2024 के हाई कोर्ट के आदेश और फैसले पर रोक रहेगी।